Hey, what's up guys and welcome back to another amazing episode of Raving Minds. तो आज हम लोग बाइक का कुछ काम नहीं है, आज हम लोग करने वाले हैं ब्रांड न्यू गिटार का स्ट्रिंग चेंज करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली गिटार का स्ट्रिंग चेंज करने वाले हैं तो अपने पास गिटार भी होना चाहिए. तो गिटार तो अपने पास आ चुका है एक गिटार, इस पर तो स्ट्रिंग लगना चाहिए. तो स्ट्रिंग आप लोग ने कौन सा वाला लाया, तो चलिए दिखाता हूँ वो भी. तो ये आ चुका है अपना एक गिटार, एक्विस्टिक गिटार के लिए अपना स्ट्रिंग. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी. तो इसका ऑनलाइन अगर जाओगे तो 200 रुपीस पड़ेगा और अगर ऑफलाइन बाय करोगे तो 300 तक मिल जाना चाहिए डिस्काउंट के मिला के, मतलब 350 इसका प्राइस है, तो 50 रुपीस आराम का डिस्काउंट मिल जाएगा. तो चलिए देखते हैं अभी इसका स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं. तो ये आ चुका है अपना स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग मिल जाएगा अलग अलग साइज का. और ये जो चीज़ें हैं इसको मतलब हाथ से आप खोल नहीं सकते, तो इसका एक निंजा टेक्निक है, वो है घर से हम लोग लेके आ रहे हैं चम्मच, देसी जुगाड़ लगा रहे हैं यहाँ पे. तो इसको ऐसा करना है, फिर करके आराम से आपका ये ओपन हो जाएगा. तो ओपन होके यहाँ पे आप लगा सकते हो, इंसर्ट कर दीजिए फिर उसको ऐसे ही घुसा दीजिए. तो जैसे पहले इसको मतलब स्ट्रिंग को अंदर डालना है, तो ये जो चीज़ देख रहे हो ये गैप, इसको मतलब यहाँ पे एक होल रहेगा एग्जैक्ट साइज का, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेम टू सिमिलरली आपको मतलब एग्जैक्टली डालना है. और जैसे स्ट्रिंग को आप इंसर्ट करोगे तो फिर निकाल के एक बार चेक करना है कि ये जो मतलब लॉक हो रहा है कि नहीं इसके साथ. अगर परफेक्टली लॉक हो रहा है तो दैट मीन्स स्ट्रिंग आर सेट, तो ऐसे ही छोड़ दो तो दूसरा वाला लगा लेंगे. तो गाइस अगर हम लोग ये ऊपर वाले साइड में अगर स्ट्रिंग लगाएंगे तो जो भी स्ट्रिंग का मतलब आप अंदर से लोगे ना, रोटेट करोगे, तो हमेशा ये इनर साइड से होना चाहिए, ना कि आउटर साइड से. आउटर साइड से सही नहीं बैठेगा, इनर साइड से हमेशा रोल करो. और एक चीज़ है कि अगर इस वाले पे लगा रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना है, इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना है ताकि ये को क्रॉस करके आधे पे आपको रुकना है, तो ऐसे परफेक्ट मतलब साइज पे आपका रोल हो जाएगा. तो अगर देख सकते हो इसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसको काटने के लिए हम लोग को चाहिए होगा अपना देसी जुगाड़, वो है. तो आ चुका है अपना नेल कटर, तो इससे हम लोग काटने वाला है इसको. आराम से कट जाएगा, नॉर्मली काटो, बस एक बार दो बार हिला देना, आराम से कट जाएगा. तो मेरा दोस्त इसको काट के दिखाएगा. तो देख सकते हो एग्जैक्टली मेजर करके इसको ऐसे काट देंगे. और इसको अगर आराम से नहीं कटेगा तो एक दो बार इसे टिल्ट कर लेना तो कट जाएगा. तो इसको देख सकते हैं साइज एग्जैक्टली सही होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा हम लोग ने ले लिए. अभी इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ से, इसको इस तरह से डायरेक्शन में घुसाना है, फिर इतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेना है, फिर एक को ऐसे अगर इसको ऐसे अगर प्रेस कर दो, फिर इसको रोटेट कर दो थोड़ा सा ताकि ये मतलब होल से निकले ना. फिर जैसे ही सेट हो गया तो ऐसे आराम आराम से रोटेट करते रहना है. अभी ध्यान रखना कि एक एक स्ट्रिंग का अभी ट्यूनिंग करने मत बैठना, नहीं तो टाइम भी लगेगा और मतलब ख़राब भी हो सकता है. तो पहले पूरे स्ट्रिंग्स लगा लेना, उसके बाद ही ट्यूनिंग कर लेना आराम से. तो ऐसे ही कोई उंगली को प्रेस करना है और आराम से, एक अगर आपका कोई दोस्त हो तो इसको बोलना ऐसे प्रेस करते रहे, तो थोड़ा सा इजी बैठ जाता है. तो फाइनली अपना गिटार पे सारा स्ट्रिंग लग चुका है और ट्यूनिंग करने के लिए मतलब मेरा भाई ट्राई कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है. तो इसको आराम से घर जाएंगे, घर जाके इसको ट्यून कर देंगे. तो गाइस ये वीडियो देख के अच्छा लगा मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय गाइस.